Hi guys, good morning. Welcome back to Pal Chaudhary Vlogs. और मैं नाम आप सभी का वेलकम है मेरे एक और नए व्लॉग में. और आज मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ हरियाणवी गाने सुन सुन के. मिठी मिठी बोलूंगी चट्टी का वजन चलूंगी जना छोलिए मिठी मिठी बोलिए मिठी मिठी बोले तू राजी राजी चट्टी का वजन तोलिए. एलेक्सा प्ले नेक्स्ट. कल्लो कल्लो. अब हम सुनेंगे कल्लो. दीना काई कर रहा से मुरल कोला मर जाना दाढ़ी ने काई कर रहा से लेना पोटो बेची लगी चमक चलो रे लगी चमक चलो रे व्यापच जब मैं कबूतरा लकड़ी असली कल्लो रे लकड़ी असली कल्लो रे. गाइस 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 इसको बंद करते हैं यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे आवाज नहीं आएगी. मैं ना आज अपना वो लगा रही हूँ बालों में तेल. मेरे बालों को ना बहुत ज्यादा तेल की कमी हो गई है. लोगों को खून की कमी होती है लेकिन मेरे बालों को तेल की कमी हो गई है. बहुत दिनों से मैंने बालों में तेल नहीं लगाया यार ये डिस्टर्ब कर रही है मेरा. कर दिया मैंने बंद तो मैं अपने बालों को थोड़ा सा तेल लगाती हूँ. और आजकल पता क्या हो रहा है बड़े बाल टूट रहे हैं मेरे. आपके साथ भी हो रहा है ऐसा? मेरे साथ तो हद से ज्यादा होता है और मुझे लग रहा है कि मेरे बाल ना हद से ज्यादा टूट टूट के हो गए हैं खत्म हो गए हैं. ये गाइस मैं लगा रही हूँ डॉक्टर का सुझाया एल्टीटार सीएम. ये मेरे बाल ना पिछले साल बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो गया था तो मेरे को डॉक्टर ने दिया था तो वही वाला मैं अभी भी यूज कर रही हूँ. एक घंटे बाद हम अपना क्या कहेंगे अपना बाल धो लेंगे. अच्छे से मसाज. एक तो मेरे बालों में इतना ज्यादा डिंडफ हो जाता है और फिर इतने ज्यादा हेयर लॉस हो जाता है पता नहीं क्यों. और मुझे किस चीज की टेंशन है मुझे ये भी समझ नहीं आता. मेरे को टेंशन क्या है मेरे बाल टूट रहे हैं और बाल क्यों टूट रहे हैं टेंशन से टूट रहे हैं तो मैं क्या छोड़ू टेंशन छोड़ू कि बाल टूट रहे हैं तो टूटने दू है. आज मैं करूंगी अपना स्किन केयर. पहले मैं नहा लेती हूँ उसके बाद अभी इसको लगाकर एक घंटे तक छोड़ देना है. मैं गाइस नई नई करके भी आ गई हूँ. देखो कपड़े ऐसे हो रहे थे पानी में जैसे पानी भीग जाए. तो आपने ओस में सुखा दिए होंगे? नहीं तो फिर ओस में नहीं सुखाया बेटा उसमें रखे थे अंदर उसमें मशीन में ना. और अरे बेटा ये धराव कपड़े थे. धराव मतलब पहनने के. अच्छा ये गर्मी वाले निकाल दिए आपने है ना. ऐसे कुछ में हो रहे थे इसमें करके इसमें अभी दादी के पास बैठी हूँ सीलन में. सीलन में तो स्मेल भी होगी होगी कपड़ों में तो. गोली रखी हुई थी आपने? हाँ सुखाए. गोली खत्म कुछ दिनों में हो जाती है ना वो खत्म. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. तो गाइज एक जनरल सा क्या कहते हैं उसको स्किन केयर करने के लिए आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी ज्यादा नहीं. और मैं ना आज देसी वाला जुगाड़ नहीं कर पाई अपने फेस के साथ. वैसे तो मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल है बट इससे
कुछ महीने पहले या एक साल पहले ना बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो अभी मेरे को थोड़ा सा फिर भी सुकून है। अभी वैसे मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले ना अपनी स्किन को कोई भी टोनर ले लीजिए, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो, फिर कोई भी टोनर ले लो, टोनर से अपने फेस को मतलब अच्छे से ऐसे ऐसे टैप टैप करके, मतलब तब तक आपका टोनर ना ड्राई नहीं हो जाए तब तक फेस पे कुछ नहीं लगाना आपने, ठीक है। मेरे पास है ये गुड वाइब्स का विटामिन सी का टोनर जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको टैप टैप करके सुखा दें। तो गाइज ये सूख गया है। इसके बाद मेरे पास है 10% नियासेनेमाइड और 2% सैलिसिलिक एसिड। तो मैं दिन में ना नियासेनेमाइड ही यूज करती हूँ, क्योंकि अगर आपने सैलिसिलिक एसिड यूज किया है तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें और अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसको मैं नाइट में यूज करती हूँ, क्योंकि नाइट में सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते नहीं है अपन लोग। तो गाइज ये वाला तो खत्म हो गया, दूसरे वाली बॉटल भी है मेरे पास, बट कहाँ, ये है दूसरी वाली बॉटल, तो इसको यूज कर लेंगे, जैसे सेलिब्रिटी यूज करते हैं ना ऐसे ना 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 ना। पता क्या होता है कि जो मेरा फोन है ना वो इतनी जल्दी भर जाता है, मैं सोचती हूँ कि यार कितनी जल्दी से जल्दी मैं वीडियो खत्म करूं, उसमें स्पेस ही नहीं रहता है मेरे लिए जरा भी, इतनी ज्यादा फोटोज वीडियोज डिलीट कर दी उसके बावजूद भी। तो नियासेनेमाइड को भी गाइस थोड़ा गर्दन पे भी लगा दें, हाँ भूल गई थी मैं बताना, गर्दन पे लगाएं ऐसे करें अच्छे से, ऐसे 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 ऐसे, और अब इसको ड्राई होने दें। और इसके बाद आप अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा वो भी लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं फेस वाली, और या फिर सीधा सनस्क्रीन लगा लें, हो गया आपका डेली का क्या कहते हैं उसको स्किन केयर। और लिप्स पे आप लगाएं वैसलीन, ये भी वैसलीन, इसके साथ साथ ना मेरे पास वो भी है बॉडी वाइज का एक और लिप बाम भी था, वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया मैंने, उसको भी दिखा देती मैं आपको, बट उसको लगाने की इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा आता है, उससे अच्छी तो वैसलीन ही है, ये 60-70 रुपए की आती है और वो था 400 रुपए का, 399 का, तो इससे अच्छा तो यही है, पता नहीं कहाँ है, बट वो पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। जब तक ना मेरा फेस सीरम सूखता है तो मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि उसको लगभग एक मिनट आपने छोड़ना है ताकि एब्जॉर्ब कर ले आपकी स्किन उसे अच्छे से, और अब ऑलमोस्ट वो सूख ही चुका है। अब मैं लगाऊंगी गाइज क्या, ये दिस वन, ये है फिक्स डर्मा का शेडो SPF 50+ जेल वाला सनस्क्रीन। थोड़ा सा ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, इतना लगा लो क्योंकि अब इवनिंग टाइम हो गया तो इतने से काम चल जाएगा। वैसे घर में भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, मेरा थोपड़ा देख लो इधर से कुछ पता ही नहीं चलता है मुझे, इधर से इतना पोर्शन का अलग कलर है, इतने का अलग कलर है, पता नहीं ये भगवान ने क्या सोच के दो दो मेलानिन दे दिए मुझे, खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये हो गया स्किन केयर, बस। और अभी मेरे को जाना है मार्केट में ऐसे ही तफरी मारने के लिए, कोई काम नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, बिकॉज मैं बोर हो रही, तो इसलिए मार्केट चले जाऊंगी अब घूमने। आप लोग बताएं जब आप बोर होते हो तो आप लोग क्या करते हो, ऐसा कोई काम बता दो जैसे कि मैं बोर हो रही हूं तो मैं भी वही काम कर लूं, जैसे कि मेरे को ज्यादा बोरियत ना आए। हो गया स्किन केयर, और अब हम अपने बालों की चोटी बना लेते हैं और यहां से भाग जाते हैं घर से। ये है दोस्तों झंडा चौक, मैं मार्केट में आ गई हूँ और मेरे बाल जरा भी धूल में ना आए इसलिए मैंने ना कैप भी लगा लिया था, बट अब मेरा मन है कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, बट शॉपिंग करने के लिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, महीने का एंड चल रहा है वैसे भी, तो कुछ खरीदना नहीं है मुझे, वैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के और फल वल लेके घर चले जाऊँगी यार।
ये देखो दोस्तों फूलों की दुकान, इधर गोरी का मकान, इधर फूलों की दुकान, कुछ ऐसा एग्जांपल हो रहा है यहाँ पे। बट मुझे इससे क्या, मुझे नहीं लेने हैं फूल। ये यहाँ का एक पार्क है, बुद्धा पार्क कोटद्वार का, और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। पे शाम के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मेरा मन ही नहीं करता यहाँ पे जाने का, क्योंकि झूले वूले जितने भी होने तो सब बच्चे ही हड़प के बैठ जाते हैं, तो हमने क्या करना है जाके। और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं यहाँ पे जाऊँ, तो इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। गाइस आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आपने ब्रांच चढ़ती हुई बहुत सारी देखी होंगी, और देखो अब देखो यहाँ पे भी ब्रांच चढ़ रही है, वो दिखाती हूँ। जाऊँ कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होता है यहाँ पे। ये बैठे, ये देखिए गाइस बारात चढ़ रही है और मैं छिपके वीडियो बना रही हूँ उनकी। ये बैठे दूल्हा का है, दूल्हा ही नहीं दिख रहा है भाई, दूल्हा तो यार छिप गया। मैंने ना उन लोगों की थोड़ी सी वीडियो बनाई बट मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, क्योंकि एक आंटी ऐसे देखने लग गई थी। मैंने सोचा यार कभी वो बोले कि ये वीडियो क्यों बना रही है हमारी, हम डांस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। बाय द वे वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे यार, मेरा भी मन था डांस करने का थोड़ा सा, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ क्योंकि मेरे रूम में बहुत अच्छी खासी आवाज़ आ रही है गाइस। यहाँ पर ही तो बगल में ही शादी हो रही है और यहाँ तक आवाज़ ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ और खाने में आज हमारे पास है ये देखिए सब्जी, दाल, हलवा और थोड़ी सी चटनी। तो मैं गाइस खाना खाती हूँ। मजा आ गया।